हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए जयराम सरकार नया कानून बनाएगी और राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक एक्ट 1997 में संशोधन करने का फैसला सरकार ने बदल दिया है। संभावित है कि 4 मार्च को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस नए विधेयक को मंजूरी देकर विधानसभा के बजट सत्र में इसे पारित करने के लिए रखा जाएगा और नए कानून के तहत जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाने वाली कमेटी में निजी स्कूलों की फीस निर्धारित की जाएगी। साथ ही कमेटी में निजी स्कूल प्रबंधन के अलावा पीटीए को शामिल किया जाएगा और उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली कमेटी फीस को मंजूरी देगी। वहीं इस कमेटी में अतिरिक्त निदेशक और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को शामिल किया जाएगा। जिला उपनिदेशक की अध्यक्षता में बनने वाली कमेटी स्कूलों में फीस वसूली की व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेगी। नए कानून के तहत फीस को तर्कसंगत बनाते हुए वर्दी और किताबें खरीदने के लिए चिन्हित दुकानों की व्यवस्था पर भी रोक लगाई जाएगी। स्कूल प्रबंधन और पीटीए से चर्चा भी की जाएगी और सभी के सुझाव लेने के बाद फीस तय होगी ताकि अभिभावकों का कोई शोषण न हो। फीस में हर वर्ष होने वाली बढ़ोतरी के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। बीते दिनों सरकार ने निजी शिक्षण संस्थान विनियामक एक्ट 1997 में संशोधन का फैसला लिया था और विधि विभाग के साथ कई दिनों तक संशोधन को लेकर मंथन हुआ। वहीं पुराने एक्ट में कई संशोधन करने के चलते अब सरकार ने नया कानून ही बनाने का फैसला लिया। नए कानून आने पर राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक एक्ट 1997 में खुद निरस्त हो जाएगा। वहीं बता दें सरकार के फैसले से लोगों को स्कूल के क्षेत्र में राहत मिल सकेगी। साथ ही बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार का इन विषयों पर चर्चा करना लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी खबर देखने को मिल सकती है।